तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग हिस्टेरेसिस लूप के बारे में पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड। अगर आपको लूप के बारे में पता हो, उसमें कुछ टर्म्स दिए जाते हैं जैसे रिटेंटिविटी होता है, कोर्सिविटी होता है ना, सेचुरेशन होता है, तो ये सारे अगर टर्म पता हो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप केवल ग्राफ रीड करके आंसर बता सकते हैं इसका। क्वेश्चन में कहा गया है द फिगर गिव एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बी वर्सेस एच। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, एच होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वेरिएशन इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड सेचुरेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द मटेरियल आर, मतलब कि रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, सेचुरेशन हमें फाइंड करना है जो कि ऑप्शंस में दिए गए है ना। तो जो हिस्टेरेसिस लूप होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जैसे सोलेनोइड जैसा कोई क्वायल है ना, क्वायल में हम लोग करंट पास कराते हैं और बीच में सोलेनोइड के अंदर मटेरियल रख देते हैं हम लोग है ना, जिसका हिस्टेरेसिस जो है लूप देखना है हमें। तो उस मटेरियल को अंदर रखते हैं, इसमें करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराने से क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसी से रिलेटेड ये टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक। और अब जैसे जैसे ये करंट हम लोग बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स, उनका ओरिएंटेशन चेंज होता है, वो अपने आप को अलाइन करने लगते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जिससे क्या होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर बढ़ने लगता है ना। तो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये दिया गया है बी। तो आप देख सकते हैं कि पहले जब करंट जीरो था तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर भी जीरो था। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ता गया तो ये वाला फील्ड जो करंट की वजह से आ रहा था ये बढ़ता गया, तो उसके अंदर चूंकि अलाइनमेंट बढ़ रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, ये ग्राफ दिखाया गया। उसके बाद ये मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम जो आता है उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेशन वैल्यू। तो सेचुरेशन वैल्यू जो है ये दिया गया है टेस्ला में, तो सेचुरेशन वैल्यू जो है वो आ गया 1.5 टेस्ला, ठीक। मतलब कि सारे जो डायपोल्स होंगे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सकता, कितना भी करंट बढ़ा लो, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, अब करंट घटाना शुरू करते हैं। करंट घटाना शुरू करते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड घटता है, घटेगा तो इनका जो अलाइनमेंट है वो भी थोड़ा थोड़ा खराब होने लगेगा, ठीक। तो खराब होने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर ये जो बी है वो घटने लगता है। देख सकते हैं ये घट रहा है धीरे धीरे, घटते घटते ये आया। जब हमने करंट जीरो कर दिया यानी एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दिया, एच जो है यहाँ पर जीरो हो गया, तो भी इसके अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड बचा रह गया इतना, है ना, इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बचा रह गया। मतलब अभी भी जो अलाइनमेंट है पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे ऐसे डायपोल्स हैं जो कि इसके डायरेक्शन में जो ओरिएंटेशन हो गया था उनका वो अभी भी उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसलिए कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है इसी को कहा जाता है रिटेंटिविटी, है ना, रिटेंटिविटी। तो इसमें रिटेंटिविटी भी पूछा गया है ना, जैसे कहते हैं कि इतना मैग्नेटिक फील्ड रिटेन हो गया, उसी से ये वर्ड आया है रिटेंटिविटी। कितना रिटेन हो गया है, 1.0 टेस्ला, इतना रह गया जब एक्सटर्नल फील्ड हमने हटा दिया तो भी। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो तो इतना रह गया, उसको भी गायब करना चाहते हैं, तो हम लोग करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। इस लूप में उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो उल्टा डायरेक्शन में फील्ड लगेगा, तो जो डायपोल्स हैं उन पर टॉर्क लगेगा, वो डायपोल्स घूम करके वापस उल्टा जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो एच है, जो एक्सटर्नल फील्ड है, वो हम लोग उल्टा डायरेक्शन में लगा, निगेटिव में ले जा रहे हैं। करंट उल्टा फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आएगा। तो ये एच जो है यहाँ पर तो जीरो हो गया था, जीरो होने पर एक्सटर्नल फील्ड जीरो होने पर, करंट जीरो होने पर इतना मैग्नेटिक फील्ड था, अब उल्टा डायरेक्शन करेंगे तो ये जो फील्ड है वो घटने लगेगा, क्योंकि अब अलाइनमेंट जो है उल्टा की तरफ शिफ्ट होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। तो क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि एच को हमने निगेटिव में किया, करते करते ग्राफ ऐसे आ रहा है,
गया था ऐसे, लेकिन वापस ऐसे नहीं आ रहा, ये ऐसे आ रहा है इधर, ठीक। जब हमने एज का वैल्यू -50 कर दिया, है ना, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो फील्ड आता है उसी से रिलेटेड होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी उल्टा डायरेक्शन में -50 हुआ है, तब जा करके ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया यहाँ पर, यानी इनका जो ओरिएंटेशन जो था वो शुरू में जीरो था, शुरू में भी जीरो था, अब जा करके फिर से जीरो हुआ है ना। तो ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू है, ये वाला मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू, इस वैल्यू पर जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। मैग्नेटाइजेशन जीरो होने का मतलब कि जो डायपोल्स है उनका अलाइनमेंट फिर से बिगड़ गया है, नेट मैग्नेटाइजेशन उनका जीरो हो गया है ना। तो इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी, है ना, कोर्सिविटी। ये आएगा -50 एम्पियर पर मीटर, है ना, ये है। तो यहां पर वैसे कोर्सिविटी निगेटिव में ही होता है, तो साइन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये हमने बता दिया, अब देखेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, ठीक। यहाँ पर पहले बताया गया है रिटेंटिविटी, तो रिटेंटिविटी अपना आया है 1.0, तो 1.0 देखेंगे इसमें दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कोर्सिविटी, कोर्सिविटी अपना आया है 50, इसमें 50 दिया हुआ कोर्सिविटी। उसके बाद सेचुरेशन, सेचुरेशन अपना आया था 1.5, इसमें भी 1.5 सेचुरेशन दिया हुआ है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।